करबला में एक तरफ पानी का दरिया रमा था और दूसरी तरफ प्यास ही प्यास थी। और हैरानगी की बात तो यह है कि जो पानी पीते रहे वो मर गए और जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा हैं। भटकी हुई हयात के रहबर हुसैन हैं, सेहरा है करबला तो समंदर हुसैन है, और खुशबू पयामे हक की सारे जहान में, और गुलजार मुस्तफा के गुले तर हुसैन है। और कृष्ण बिहारी नूर फरमाते हैं कि खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। मैं अपनी बात यहां से शुरू करूंगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान आना चाहते थे, हम भी उन्हें यहां बुलाना चाहते थे। अगर वो यहां आ जाते तो यहां की धरती धन्य हो जाती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जिससे इंसानियत को जिंदा रहने की ताकत दी। मैं समझता हूं कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी अजीम कुर्बानी नहीं दी होती तो दुनिया के हालात बहुत ज्यादा बदतर होते, जिसका अंदाज लगाना मुश्किल है। आज दुनिया में जो इंसानियत और भाईचारे की झलक दिख जाती है उसकी बहुत बड़ी वजह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, जो उन्होंने अपने खानवादे दोस्तों के साथ दी। नन्हे नन्हे बच्चे शहीद हो गए, औरतों के सर से चादरें लूट ली, घरों में आग लगा दी यजीदियों ने, लेकिन इंसानियत को नहीं मार पाए और ना ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम को। मैं समझता हूं कि इमाम हुसैन की इन मुश्किलों की हमें लाज रखते हुए अमन में रहना चाहिए, रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए जो कि इमाम ने इतनी मुश्किल में रहते हुए भी निभाए। जो भटक गए हैं उन्हें हुसैन का तारुफ कराओ, हुसैन इज बाउंड्रीलेस, हुसैन फिजा हैं, हुसैन हवा हैं, हुसैन कायनात हैं, हुसैन बहार हैं, हुसैन हक है, हुसैन इंसानियत है, हुसैन किसी एक फिरके के नहीं, हुसैन फर्श से लेकर सातवें आसमान तक हैं, हुसैन समंदर हैं, पूरी दुनिया हुसैन की है और हुसैन पूरी दुनिया के हैं। सारी बातों का मेरा सिर्फ एक मतलब है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी मजहब, किसी फिरके, किसी एक जात या धर्म से बहुत ऊपर हैं। उनका संदेश सिर्फ अमन और भाईचारे का था, इंसानियत के लिए था, जुल्म के आगे ना झुकने का बहुत बड़ा संदेश दे गए। आज भी हम सब के दिलों में जिंदा हैं और ता कयामत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बराबर सिफात वाला कोई पैदा